नमस्कार प्रणाम। हम हैं राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज हमनी के सिवान के एगो ऐसा चिकित्सक के लगे उपस्थित बनी जा जौन चिकित्सक के पैसा के जरूरत नहीं है। आज भी कहल जा सकेला कि मानवता ए पृथ्वी पर जमीन पर आज भी मानवता जिंदा बा। अगर एक मिसाल पेश करे के बा तो हमनी के ए सिवान में ए सिवान जिला मुख्यालय में आ सके निजा एगो नील कमल हॉस्पिटल बा। तो सर बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बद कही मेरा। हमनी के मिलेम जा आज डॉक्टर विनय कुमार से वो सिवान के वो बड़ा सर्जन बनी और रउड़ा भोजपुरी बदकही में आज बनी है मंच पर। हमनी के कुछ बताई सर कि जोन पीत के पथरी बा हमनी के स्पेशली आज बातचीत कर जाए कि पीत के पिताशय में गोल गॉल ब्लडर में जोन पथरी हो जाता वो पथरी के तमाम लोग गला के कह रहा बा कि होम्योपैथ से तमाम आयुर्वेद से वो गल जाला। तो सर ऊपर थोड़ा सा विचार कर लिए कि वो गलत है कि नहीं है गलत, कौना स्टेज में गलेला कौनी आई शुरुआत होला। प्रवीण जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई पथरी पीत के थैली के कबू ना गले। अच्छा अगर शुरुआत में जौना के हम कही दी सर कि बाइल पीत जोन अगर गाढ़ा होके तो दवा ववा दे करके ओकरा के ठीक कर जा सकत, लेकिन जब एगो पथरी हो जाओ बन जाओ पीत के थैली में पीत के नली में जैमा के हमनी के हिपाटोबिलियरी सिस्टम कहनी सन उ पथरी कबो ना गले। दूसर चीज बा कि वो पथरी के चलते बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बा, ओकरा से बड़े खतरनाक रोग भी हो सकता। हमनी के एरिया में पूरा बिहार में पीत के थैली के कैंसर बहुत ज्यादे बा। हमरा साइंस के हिसाब से पथरी के ही ओकरा खातिर जिम्मेवार मानल जाता। अच्छा और भी कारण हो सकता जौना के हमनी के जानकारी नहीं है, चाहे प्रॉपर ओपर कोनो रिसर्च नहीं है, लेकिन अभी तक जितना भी रिसर्च भइल बा पीत के थैली के कैंसर के सबसे बड़ा कारण पीत के थैली के पथरी के ही मानल जाता। अच्छा सर अभी जो बात सामने आ रहा बा तमाम होम्योपैथ गारंटी ले रहा बा कि हमनी के हर पथरी के गला देम जा, तो ओमें कितना सत्यता बा सर? अगर हम अपने हिसाब से देखें, हम अपन बात हमरा हिसाब से देखी तो ओमें तनिको सत्यता देखें, वो 1% भी ना गली। माने पीत के थैली जोन बा वो शरीर के वैसन अंग हो जोन लीवर आ सारा जितना सिस्टम हो ओकरा से किनारे एगो रहेला, कहाँ रहेला तनी थोड़ा सा बताई सर? लीवर के नीचे वो सटल रहेला आ पीत के थैली के काम बा कि वो में पीत जमा रहेला आ जब खाना आंत में पहुँचेला तो वो सिकुड़ेला और में से पीत निकल के जाके खाना में मिल जाला। बसा के पचावे के कुछ है ओकर सहयोग रहेला, बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है और बहुत ज़्यादा ओकरा माने समझीता बहुत काम के भी वो चीज़ नहीं है। जैसे कि अपेंडिक्स रहेला वैसे ही पीत के थैली भी करीब करीब उसी तरह का, उससे थोड़ा ज़्यादा काम का है लेकिन ज़्यादा ओकर कोनो उपयोगिता शरीर में नहीं है। मतलब सर जन कहनी है कहतनी कि जौन आदमी तेल मसाला खा रहल बा आज के डेट में सब कुछ हमनी के डुप्लीकेट खाता नहीं जा। जैसे जे भी हमार देखे वाला बा भोजपुरी बदकही सुने वाला बा वो लोग के हम देखौले रहनी कि आज के डेट में डुप्लीकेट दूध बन रहल बा, डुप्लीकेट पनीर बन रहल बा, हमनी के लगातार डुप्लीकेट मसाला खा रहल बनी जा। जैसे गधा के लीद के केमिकल मिला के मसाला बन जाता, ओमे हल्दी मिला के हल्दी के जगह पर रंग मिला के पीला आ मसाला बना दिया जाता, पैकेट में भर दिया जाता आ घर के औरत लोग पीसे नहीं खेलो चाहत, सारा लोग वो पैकेट के मसाला खाता, वो सब डुप्लीकेट हमनी के जहर खा रहा बानी जा। सर जौन बताओ तनी कि बसा युक्त जौन भी भोजन बा ओकरा के पीत पचावेला, यानी कि जौन
हमनी के तेल खातनी जा, तेल युक्त तैलीय जन भोजन करतनी जा, ओकरा के पीत ओमे से निकल के पचावेला, तो ओमे चूंकि दवा जैबे ना करी उ किनारे बा, तो स्टोन जन बा उ पीत के थैली में किनारे रहेला, तो किनारे गले के कोनो बाते नहीं है। सर जौन दवा तमाम तरह के होम्योपैथिक में चलता उसे कोनो विशेष लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं है, कोनो लाभ नहीं है, महज भ्रामक प्रचार बा। कोनो पैथी पर हम कमेंट करे के नहीं चाहत, सब पैथी अपने आप में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये चीज में कारगर नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है। ये हम चाहे कि भाई ये तरह के प्रचार कबो ना कर जा कि पथरी पीत के थैली के पथरी गला दी, क्योंकि ये असंभव बात बा, ना कहीं से निकली, एकर कोनो रास्ता ना होला, जब हुई तो ऑपरेशन से ओकरा के ठीक कर जा सकता, दोसर कोनो उपाय नहीं है। अगर एकरा के छोड़ दहल जाता, ऑपरेशन नहीं है करावल जा, तो हो सकता कि बड़का बड़का बीमारी हो सके, आ कभी कभी तो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन भी वो पत्थरी के चलते हो सकता। हम व्यक्ति को किसी आदमी को डरवाने के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो भ्रामक प्रचार होता है कि होम्योपैथी से ही गल जाई, चाहे फलाना दवाई से ही गल जाई, चाहे कसम कुछ क्वेक लोग कहता है कि इसको ए विधि से निकालल जा सकता, ये सब भ्रामक प्रचार बा। भले रुआ इलाज ना कराई, लेकिन इस सब चीज़ से रुआ बची और कौनो फायदा नहीं है। एगो बहुत बड़ा बात सर कहनी है कि अगर पीत के थैली में कोनो भी कारण से रउरा पता चल गई कि स्टोन बा पथरी बा, तो भ्रामक प्रचार से बची। आ हमनी के पूरा जानकारी लेनी है जा सर से कि पीत के थैली के में अगर स्टोन हो गई बा तो ओकर ऑपरेशन ही इलाज बा, ओकरा केहू कोनो पैथ के चक्कर में रउरा मत पड़ी। चली बड़ा अच्छा लागल, फिर कुल काल कुछ ऐसे विशेष लेके आए, तब तक बन रही भोजपुरी बतकही पर। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर रउरा अहिनी भोजपुरी बतकही के श्रोता लोग के, देखे वाला लोग के कुछ बतौनी। हाँ धन्यवाद प्रवीण जी, हम मैं यही चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें और खान पान उनका अच्छा हो और उद्यमी बने। अगर आपको दूध खराब मिल रहा है तो आप गाय को नहीं पालते हैं? फ्री में चाहते कि कोई नहीं 50 रुपए दे के लेके आ गए। आप उद्यमी बनिए, परिश्रमी बनिए, खेती कीजिए, जैविक खेती कीजिए, अच्छा से कीजिए, और अपने आप पर ध्यान दीजिए, नशा से बचिए। ये सब अगर रुआ करता नहीं तो रुआ स्वस्थ रहें, कोनो डॉक्टर के जरूरत ना पड़े। अच्छा सर, पहले जब हमनी के छोट रहनी जा तो हमनी के माता जे भी माई चाहे दादी ये लोग पीस के मसाला खियावे, आज के डेट में महिला लोग मसाला पीसे ही के नहीं खेचा है। वो तो हम रुआ से कह देने कि उद्यमी बने के चाहिए, हल्दी निकाल के ले आए और हल्दी रुआ लेके पीसब तो शरीर भी स्वस्थ रही, और दूसर चीज ये बाकी शुद्ध तो जरूर मिली। हल्दी एंटीबायोटिक होला, मसाला जौन बा अगर धनिया के पीसी रुआ, जीरा पीसी तो वो फायदा करी, आ उहे अगर बाजार से रुआ खरीदतनी, अपना थोड़ा सा मेहनत से बचे खातिर खरीद के खातनी, लेकिन वो का गारंटी बा कि वो गधा के लीद ना हो, का गारंटी बा कि वो हल्दी हो? तो ये बात से सर एक बहुत बड़ा बड़ा बात कहनी है कि उद्यमी बनी, आ सर के भी इच्छा बा कि सब केहू स्वस्थ रहे, सर डरावे खातिर कोनो बात ना कहनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, भोजपुरी बतकही देखत रही बन रही, अपना भाषा के एकमात्र चैनल भोजपुरी बतकही के शेयर करी, सब्सक्राइब करी, हमरा के जौन टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से सुनत नहीं, वहीं प्रवीण मिश्रा बुलबुल के प्यार बनौले रही। धन्यवाद, धन्यवाद बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा, डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरा। नमस्कार, विज्ञान केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्थापक